नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में आपके साथ। मैं हूं रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी। आपकी खबर आप तक, खबरों को लाइक करें, खबरों को शेयर करें। और अभी तक जिन लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और खबरों से इलाकाई अपडेट रहना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो अभी YouTube पर प्रेम वाजपेयी लिखें और सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, जिससे कि खबर का मैसेज आप तक पहुंचे और आप खबरों से रूबरू हो सकें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है हमारे YouTube चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये 5 मई 2021 थाना तंबौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोविंदापुर गाँव में अग्नि देव का एक कहर इस कदर से बरपा कि एक घर को तबाह कर रख दिया। बता दें कि ये जनपद सीतापुर के तहसील बिस्वा थाना तंबौर क्षेत्र इलाके में पड़ता है। बता दें कि ये आज आला सुबह 5 मई को गांव के ही गोविंदापुर के राजकिशोर का एक हाथे में रखा मड़हा छप्पर जल रहा था, अचानक अज्ञात कारणों से लग गई आग। और पड़ोस में बना राम बाबू लोधी का घर, जिनके घर को आगोश में ले लिया और सारा सामान जलकर घर गृहस्थी का नकदी समेत करीब लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें सबसे अहम बात ये कि राम बाबू के घर में शादी थी, शादी से मंडप घर को सजाया गया था और जहां 7 मई को दरवाजे पे बारात आनी थी, मेहमानों का स्वागत होना था, और आज 5 मई को आज तिलक जाना था, वहीं ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पहले ही अग्निदेव ने अपना तांडव कर दिखाया और पूरी घर गृहस्थी का और शादी का सामान खरीदा हुआ घर में रखा, जलकर सब कुछ अनाज पानी कपड़े लत्ते नष्ट हो गए। घर में लोगों को चिंता सता रही है, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, कैसे पीले होंगे हाथ, कैसे होगा मेहमानों का स्वागत। एक तबाही का मंजर अग्निदेव ने दिखा दिया अपने विकराल रूप से, और लपटों पर आग की लपटों पर ग्रामीणों के अथक प्रयास से काबू पाया जा सका, लेकिन घर में कुछ नहीं बचा। वहीं पर सूचना तहसील प्रशासन को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा दी गई और वहीं तहसीलदार बिश्वा अचल प्रताप के दिशा निर्देशन में मौके पर गांव में कानूनगो लेखपाल पहुंचे, जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है और शासन को रिपोर्ट भेजने की बात कही जा रही है। कुछ भी नहीं बचा, दो वक्त की रोटी के लाले भी पड़ गए। वहीं पर स्थानीय कोटेदार रामजीवन के द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई गई है और वहीं पर ग्रामीणों ने काफ़ी ढांढसा बधाया और सहयोग करने के लिए मदद को आगे आने की बात कह रहे हैं कि लड़की की सरोजनी देवी राम बाबू लोधी की बेटी सरोजनी की शादी है और 7 मई को दरवाजे पर बारात आनी है। क्या प्रभु ने ईश्वर ने एक चमत्कार दिखा दिया इस कदर से कि पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ आगे बातचीत के अंश हम घर मालिक से आपको मिलवाते हैं और पूरी बातचीत के अंश सरोजनी देवी के दादी के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, बोल पाने में असमर्थता जता रही हैं, कुछ भी नहीं। और तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस कदर से एक वो तस्वीर अपने आप में खुद बयां करती है कि वास्तव में अग्निदेव ने एक काफ़ी अपना कहर बरपा कर सब कुछ नष्ट कर दिया। पहले से ही माली हालत राम बाबू की ठीक नहीं थी और इधर उधर से ला करके पैसे रुपये और शादी के लिए जाए थे और वहीं पर 50,000 रुपये की नकदी भी जलकर खाक हो गई। आइए मिलाते हैं घर मालिक से पूरी बातचीत के अंश। मैं इस वक्त जनपद सीतापुर के थाना तंबौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोविंदापुर में खड़ा हूं और जहां पे तस्वीर नज़र आ रही है एक बुज़ुर्ग की, हम पूरी घटना की जानकारी करते हैं, रूबरू कराते हैं, क्योंकि यहां पे अग्निदेव का कहर
बरपा एक घर पे जो कि पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन घटना की जानकारी करते हैं, आखिर आग कैसे लगी और क्या कारण रहा, कितने रुपए का नुकसान हुआ है लगभग, पूरी बात करते हैं घर स्वामी से। क्या नाम है आपका? बाबूराम लोधी। ये कौन सा गांव है? गोविंदापुर। थाना कौन लगता है? तंबौर। तहसील कौन लगती है? बिस्वा लगती है। ये घर आपका है जो जल गया है? घर जलने का कारण क्या रहा, आग कैसे लगी? अब घर चलने का कारण मतलब यूँ है कि हम बाहर पहुँचे रहे हैं और यहाँ जो है तो इधर चिल्लाने की आग लग गया गिर के, तो हम उठन तो इधर हमारे साइड में छपरा चढ़ा रहा है तो जल पड़ा है। किसका छपरा जल रहा था? छपरा जल रहा है, पड़ोसन यहाँ इनका राजकिशोर का। राजकिशोर का छप्पर जल रहा था, यानी आग जो है राजकिशोर के घर में लगी। जल रहा पड़ोस में आपका घर था, आपके घर को आगोश में ले लिया। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा आपका? अच्छा, कोई नकदी वगैरह तो नहीं? हाँ, नकदी। नकदी 50,000 रुपया कहाँ से लाए थे, घर में क्यों रखा था? इधर उधर बटोर गया रिश्तेदारों से। हाँ, नहीं तो कोई कार्यक्रम था क्या जो बटोरे थे? आज तिलक था। और शादी किसकी है? शादी हमारी लड़की की। क्या नाम है उसका? सरोजनी देवी। शादी कहाँ से कर रहे हैं? लालूपुरवा। ये थाना कब लगता है लालूपुरवा का? सकरण। अच्छा, आज तिलक था। हाँ, और कल 7 मई को कल शादी होना था। अच्छा, इसके लिए जानकारी लेखपाल को आपने दी? अब लगभग जब तक सामान हम खरीदे ला रहे हैं, शादी वगैरह का सामान जलकर खाक हो गया। मतलब 50,000 की नकदी। वो जले हुए नोट कहाँ है? कुल 1.5 लाख रुपए का जो है, जेवर वर तो नहीं जली? नहीं, जेवर नहीं जली। अच्छा, अब हम यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान जी से बात करते हैं। आप यहाँ के प्रधान हैं? स्वयं प्रधान हैं? अच्छा, ये प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा, ये आग जो लगी तो इसका कुछ कारण आप बता सकते हैं, किसके घर से आग लगी? किसी के घर से नहीं, यहाँ छप्पर एक पड़ा था पीछे, वहीं से लगी इस सुबह 4 बजे के टाइम में। किसका छप्पर छपा था? राजकिशोर का। फिलहाल इनका जो काफी नुकसान हुआ, इसके बारे में आपने की तरफ से इनकी क्या सहायता की गई? सहायता अभी तक कुछ नहीं की, बाकी जो राशन और जो भी है और जितना हो सका उतना करवाया जा रहा है। बाकी लेखपाल से भी बात की गई थी इसके बारे में। सूचना लेखपाल को आपने? हाँ, दी लेखपाल को हमने सूचना दी है। लेखपाल ने बताया ठीक, हम रिपोर्ट लगवा दें। बाकी मौके पर तो अभी पहुंचे नहीं है कोई, और आ रहे होंगे।